हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी विशाखा चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, आपको पता ही चल जाना है कि कौन सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। एंड बहुत ही ईजिली स्टेप टू स्टेप मैंने आपको ये बताया है। बहुत सारी बातें ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस मैं यहाँ पे ले रही हूँ विटामिन सी ग्लो टोनर। फ्रेंड्स, अपने डेली रूटीन में टोनर ज़रूर यूज़ किया करो। सेकंड मैंने यहाँ पे लिया है मामर्थ का उपटन फेस सीरम। इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एंड देन अच्छे से मसाज करके स्किन में एब्जॉर्ब कर लूँगी। इसका पता भी नहीं लगता कि हमने स्किन में कुछ लगाया हुआ है, फेस में कुछ अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ टर्मरिक डे क्रीम। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी ही डालूँगी, आपको पता चल जाना है। इसमें भी कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है प्राइमर। प्राइमर अप्लाई कर लूँगी। कोई भी आप मेकअप कर रहे हो उसके पहले प्राइमर ज़रूर अप्लाई कर लिया करो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर। कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और ये कंसीलर स्टिक कंसीलर बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब फुल कवरेज देती है। अभी देखना आप, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये मैंने ब्लेंड करा एक साइड और दूसरी साइड का, देखना अभी आप कितना आपको डिफरेंट दिखेगा, इतनी अच्छी है ये। ये देखो फुल कवरेज ये देता है कंसीलर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ माई ग्लैम का फाउंडेशन। फाउंडेशन लेके और उसको विंटर्स में थोड़ा रब कर लिया करो। अच्छे पार्लर्स में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही वो लोग अप्लाई करते हैं। मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन ब्लेंड 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 अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर एंड अपना मेकअप सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली है आई शेडो पैलेट। इस पैलेट का रिव्यू मैंने डिटेल में डाल दिया है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही अच्छे शेड्स हैं और बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था ब्राउन कलर एंड यहाँ पे मैं अपनी जो मैं साड़ी वियर करने वाली हूँ उसी के मैच का ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे लिया है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिया है और थोड़ा सा और सेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लिटर कलर और उसको बस कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, फुल आईलिड पे नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है काजल और काजल अप्लाई कर लूँगी अपनी आई में अच्छे से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है हुडा ब्यूटी का आईलाइनर और मैं यहाँ पे थोड़ा मोटा आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मोटा आईलाइनर मैंने अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है मस्कारा और मस्कारा अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फिर से लिया है आई पैलेट और आई पैलेट में जो ब्राउन कलर था वही मैं लोअर वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ और उसको ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली है आईब्रो पेंसिल, उससे मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी और इसी में ही ब्लेंडर भी है, मतलब उसी से ही कर लूँगी सेट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है पाउडर, उससे जो भी मतलब गिरा होगा आई शेडो वगैरह वो सेट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्लशर, ब्लशर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है हाइलाइटर और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर ले रही हूँ फोरहेड, नोज, चिन एंड आईब्रोज। यहाँ पे मैं अच्छे से लिप्स पे भी एंड यहाँ पे मैंने ली है लिपस्टिक। इन लिपस्टिक का भी मैंने रिव्यू डिटेल में दिया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गाइस, ये बहुत अमेजिंग लिपस्टिक है, आप एक बार ज़रूर देखना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पहन रही हूँ चूड़ियाँ,
आप बताना कि आप लोगों को चूड़ियों का सेट कैसा लगा। यहाँ पे मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, ये देखो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक हाथ में चूड़ियाँ और एक हाथ में एज गोल्ड के कड़े, गोल्ड के तो नहीं है ये बट वही पहने हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही सिंपल है बट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने हाई पोनीटेल कर ली है, फ्लफी फ्लफी एकदम अपने बालों को कर रही हूँ यहाँ पे मैं। एंड नेक्स्ट सिंपली बस जूड़ा बनाना है एंड अच्छे से अपने बालों को सिक्योर करना है जूड़ा पिन से। नेक्स्ट मैंने ये अमेजन से परचेज़ किया था जूड़ा एसेसरीज़, ये 2 आए थे, एक और आई थी इसी के साथ में। मैं अगर मेरे को लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने छोटी सी निकाल ली है लट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वियर कर रही हूँ अपनी ज्वेलरी, जो कि मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट की थी। इसी के साथ के ईयरिंग्स हैं, वो भी मैं वियर कर लूँगी। आप इसकी जगह कोई भी ज्वेलरी ले सकते हैं आपकी पसंद की। वैसे न्यूली मैरिड जो दुल्हन होती हैं वो तो गोल्ड की ज्वेलरी ही लेती हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना मंगलसूत्र, मंगलसूत्र तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगा ली है बिंदी, आपका जो भी मन करे वैसी बिंदी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है सिंदूर, सिंदूर लगा लूँगी। और ये मेरा फुल साड़ी लुक। फ्रेंड्स मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने मेकअप कैसा किया है। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये मेकअप वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड फ्रेंड्स मैं कुछ अपनी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। एंड मैं अपनी इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिला करे मेरी वीडियोज़ को आप देख लिया करो। ऐसा नहीं है कि जब पता चले कि कोई वीडियो डल गई है उसी टाइम पे देखना है, जब भी आपको टाइम हो तब आप देख लिया करो। बट देख के लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा करती हूँ। एंड फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।